असलम दोस्तों दोस्तों आपने जो वीडियो देखा है वह वीडियो कुवैत का है आपको बता दें कि पूरे कोवैत में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनका कहना है कि हम गाज़ा के साथ हैं और हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले कुवैत में भारी तादाद में नागरिक इसराइल का विरोध कर रहे हैं इसराइल के प्रोडक्ट को बाइकॉट करते हुए उसके झंडे को पैरों तले कुचल रहे हैं कुवैत ने एक बार फिर से इसराइल को धमकी देते हुए सभी अरब देशों को एकजुट होने को कहा है साथ ही दोस्तों कुवैत ने सभी लोगों को नया कानून लागू कर दिया है ये कानून प्रवासी और सिटीजेंस दोनों को है कानून के मुताबिक आपको बता दें कि आप अपनी कार का अगर रंग चेंज कराना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कुवैत की टेक्निकल टीम से मंजूरी लेनी होगी जैसे कि आप अपनी कार का लाल रंग या फिर उसे ब्लू रंग ब्लैक रंग किसी भी रंग में तब्दील करना चाहते हैं तो बिना परमिशन के आप लोग ये काम नहीं कर सकते अगर आप लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप लोगों को 500 सौ दिनार का जुर्माना देना होगा इसलिए आप लोग टेक्निकल टीम से मंजूरी लें और वो मंजूरी देते हैं तो आप लोग अपनी कार का रंग चेंज कर सकते हैं साथ ही पब्लिक अथॉरिटी सिविल इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों से पाँच के डी कार्ड फीस नहीं लेगा जिनके कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं पब्लिक ऑथरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने कहा कि हमने तेईस मई से पहले सिविल आईडी कार्ड जारी करना उसे रिनेवल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने पहले पाँच के डी फीस का भुगतान किया था उन्हें अपने अगले रिनेबल रिक्वेस्ट के दौरान फिर से फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी यानी कि जो फीस उन्होंने रीनवल के लिए पहले दी थी उसी में उनका काम किया जाएगा पी ने सभी कुवैती सिटीजन से रिक्वेस्ट किया अगर सिविल आई कार्ड तैयार हो जाते हैं तो आप लोग उन्हें जल्द ही रिसीव कर लें क्योंकि हमें परेशानी होती है वे मशीन में जमा रहते हैं तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ इम्पोर्टेंट अहम तरीन खबरें जो हमने आप तक शेयर करें ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह